हाँ अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द अनदर व्लॉग, अनदर डे, अनदर डेस्टिनेशन, अनदर व्यू, अनदर जॉय, अनदर फन। और लग गई है थोड़ी सी वॉट भाई। अब सिनेरियो कुछ ऐसा है कि खुंजराब से रिटर्न मार लिया हमने बहुत टाइट। वापसी में हमने सोचा था कि जो जगह हम मिस करते हुए जा रहे हैं वापसी में उसको व्लॉग्स वगैरह क्रिएट करेंगे। तो अभी फ़िलहाल हम नांगा पर्वत पर हैं। तो मैंने खुंजराब नांगा पर्वत के व्यू पॉइंट पर सो वी हैव टू बॉयज मोर, जैसे कि आपने देखा होगा पिछले भी। तो मैंने सबके इंटरव्यू तो ले लिए भाई के, क्योंकि उन्होंने तो वो तो गाड़ियों पे गए थे सकून से बैठ के, हमारे बॉयज़ गए थे बाइक पे मज़े से तफरी करते हुए। तो सब कुछ सबके रिव्यूज़ ले लिए हैं, तो भाई के भी रिव्यू भी ले लूँ, क्योंकि भाई अब वापस आए, भाई ने भी हमारे साथ बिल्कुल सेम टू सेम मज़े किए जैसे हमने किए। तो साले भाई आप कुछ बताएंगे ज़रा, नांगा पर्वत आकर आपको कैसा लग रहा है खुंजराब से वापस आकर? असल में ये है कि जब हम खुंजराब में थे तो जो है सर्दी बड़ी अच्छी थी, वेदर बहुत अच्छा था। तो हम उस वक्त ये सोच रहे थे कि यार चलें अब जो हम बैक बैक टू कराची डायरेक्टली, लेकिन जब यहाँ पहुँचे हैं और मज़े की बात यह है कि इतने करीब से इस देव कामत पहाड़ को जो है देख रहे हैं। तो अच्छा ये पहाड़ जो है इसको दियामीर भी कहा जाता है। अच्छा ये छोड़ो ना, ये तो ये हो गया, ये वो आप वो बताओ ना, वो पढ़ के बताओ वाला, इसके बारे में तो कुछ बताओ थोड़ा इधर आओ भाई। ये तो ये नहीं, ऐसे नहीं बताएगा इसको, ये इंग्लिश का मसला है थोड़ा भाई। यहाँ के बताओ, यहाँ के ऑडियंस चाहती है कि भाई आप भी थोड़ा सा पार्टिसिपेट करो व्लॉग्स में आके। यार ये बताओ जरा आके इसके बारे में थोड़ा सा इंग्लिश में। अच्छा इंग्लिश में पढ़ के सुनाओ। अच्छा भाई सीन कुछ ऐसा है कि ऊपर वाली लाइन तो छोड़ो, क्योंकि वो कह रहा है कि द ह्यूज माउंटेन इज़ नॉट अ सिंगल पीक बट सीरीज ऑफ रेजिस एंड क्लेमेंटिंग, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, और 8 1 2 6 सब को छोड़ो। हाँ जी छोड़ो, इसका नाम क्या है? द नेम नंगा पर्वत इज कश्मीरी, कश्मीरी भाई आप बताएं जरा, ये जो लिखा हुआ नांगा पर्वत, व्हाट इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन और व्हाट इज द मीनिंग? भाई इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है नांगा पर्वत, ठीक है ठीक है ठीक है। लोग इसको नंगा पर्वत कहते हैं, बोलते हैं नेकेड माउंटेन्स की वजह से। बट दे आल्सो रोड दैट्स नेकेड माउंटेन। नेकेड माउंटेन का मतलब ये है कि इस पहाड़ के ऊपर कोई जो है घास नहीं है, कोई जो है इस पहाड़ के ऊपर जो है दरख्त नहीं है, बिल्कुल सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। और मतलब ये शीना, ये लिखा हुआ है कि इन शीना का लोकल लैंग्वेज व्हाट इज दिस? शीना इस खत्ते की जबान का नाम है जो पूरे गिलगित बल्तिस्तान में बोली जाती है, ठीक है ठीक है, जिसको हम आसान जबान में शायद बिलती भी कहते हैं, ठीक है, ये जबान है शीना। और एक बार अगर मैं बात कहूँ, ये नंगा पर्वत के साथ जो लिखा हुआ है, ये साथ जो लिखा हुआ भाई, ये देवमीर और दियामीर, व्हाट इज दिस? ये भाषा डैम वाले वाली कहानी है? नहीं दियामीर इलाका तो यही है, भाषा डैम का आप पीछे छोड़ कर आए थे। अच्छा दासू के बाद जो इलाका आपने छोड़ा, तो ये संस्कृत है? ये वही डैम है जिसके लिए आप सब ने अपनी तनख्वाहों से 250 रुपये कटवाए हैं, आपको याद होगा। आप में से जो लोग नौकरी करते हैं और बाकी जो नहीं भी करते उन्होंने भी जो है 10-10 रुपये एक कॉल के ऊपर शायद दिए हैं खान साहब को। तो भाई आपको पहले बताना चाहिए था, अभी जब हम वहाँ गुजर रहे थे, देखिए मैंने अपने हिस्से की जो ईंट दी थी ना भाषा डैम में, मैंने उसको देख लिया, उसको चूम भी लिया, उसको मतलब सब कुछ कर लिया उसके साथ। अब आप लोग जो हैं वो अपने हिस्से का पूरा करें दें।
इधर से इधर से इधर से, ये सही है, उतराइए आप। सिर्फ और सिर्फ बर्फ और कुछ भी नहीं। सारा रोड दो ग्लेशियर्स कंप्लीट हो गए। ओह, आगे ये स्टीप है ग्लेशियर की, ये करना है, और देन बैक साइड पर ये है नागा पर्वत का व्यू जो कि मैं अभी एक्सप्लोर करने जा रहा है। तो आज का दिन नागा पर्वत की चढ़ाई के नाम। आजे ये बीच में